हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस वरुण किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ कुकीज, कोकोनट कुकीज, कैशू नट्स कुकीज और चॉकलेट कुकीज। इन्हें हम आटे से बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी है और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और बाउल में हम मेल्ट किया हुआ घी लेंगे। घी को हमने मेल्ट करके रखा हुआ है क्योंकि अभी सर्दियां चल रही है, इसलिए हमने इसको मेल्ट किया हुआ है। बिल्कुल देखिए, आपको पता चल रहा है ना किस टाइप से घी है। तो बस हमें इसी टाइप से हमें घी लेना है। आप घी की जगह पर बटर भी ले सकते हैं और रिफाइंड भी ले सकते हैं। हमने बाउल में घी ले लिया है। अब हम पाउडर शुगर डालेंगे। 1 कप पाउडर शुगर लिए। अब इन दोनों को एक साथ विस्क करेंगे। सर्दियों में विस्क बहुत जल्दी हो जाता है, एकदम से फ्लफी हो जाता है। देखिए हो गया ना, बिल्कुल 2 मिनट लगते हैं सिर्फ करने में, 5 मिनट के अंदर तो हो ही जाता है ये। बस ऐसे ही विक्स करिए, आपका बिल्कुल बैटर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से फ्लफी वाइट पेस्ट बन जाएगा इसका। अब हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे और एक बार और अच्छे से विस्क करेंगे इसको। देखिए अब ये विस्क हो चुका है। अब हम इस बिस्कट्स को हटा देंगे इसमें से। अब हम 2 कप आटा लेंगे। हमने आटे को पहले से ही छान के रखा हुआ है। अब हम आटे को इसमें डालेंगे, पहले हाफ डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सॉफ्ट हैंड से करना है हमें बिल्कुल। और हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे, सॉफ्ट हैंड से करना है हमें बिल्कुल। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे इसमें, क्योंकि घी सर्दियाँ हैं इस समय तो घी जम जाता है, इसलिए आपको लगेगा थोड़ा, लेकिन अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर भी। अब हम इसमें पूरा आटा डाल देंगे, जो बाकी का आटा बचा था वो भी डाल देंगे हम। और हम इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम इन सबको एक साथ मिक्स करेंगे, अच्छे से इसका डो बनाएंगे। अब हम देखिए अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसका डो बिल्कुल तैयार कर देंगे अच्छे से। देखिए बिल्कुल इस तरीके से मुट्ठियाँ बन रही है, मतलब घी इसमें प्रॉपर है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। वैसे इसमें अगर गर्मियाँ होती हैं तो जल्दी डो तैयार हो जाता है इसका घी से ही, अगर विंटर सीजन चल रहा है इसमें इसलिए घी जम जाता है, तो इसलिए हमें दूध डालना पड़ रहा है इसमें। दूध भी हमें ठंडा ही डालना है, गर्म नहीं डालना। दूध डालेंगे इसमें, बस जितनी आपको दूध की ज़रूरत पड़े, बस डो तैयार हो जाना चाहिए, उतना ही हमें दूध डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए बस इस तरीके से सारा कलेक्ट हो गया, हाथ में डो बन गया। बस इसी तरीके से हमें डो तैयार कर लेना है। पूरा डो बन के तैयार हो गया, हमें डो को ज़्यादा गूंदना नहीं है, बस इस तरीके से डो बन जाना चाहिए उसका। अब हम इसको 3 में डिवाइड कर देंगे। हमें 3 तरीके की कुकीज़ बनानी है, इसलिए हमें इसको 3 में डिवाइड कर देंगे। चॉकलेट कुकीज़, कैशू नट्स कुकीज़ और कोकोनट कुकीज़। आप चाहो तो आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं या फिर हाफ हाफ भी ले सकते हैं, लेकिन आज हम आटे से कुकीज़ बनाएंगे। हमने तीनों डोंग को इक्वली डिवाइड कर दिया है। अब हम इसमें कोकोनट पाउडर और चॉको चिप्स और कैशू नट्स सभी को डाल के मिक्स करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून डेसिनेटेड कोकोनट पाउडर डालेंगे और इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका ये थोड़ा टाइट लगता है तो थोड़ा 1-2 चम्मच आप दूध भी डाल सकते हैं इसमें, वैसे ये बन जाएगा इसी तरीके से। बस इस तरीके से हमें सेट हो जाए पूरा डो। बस अब इसको साइड कर देंगे। अब हम दूसरा डो तैयार करेंगे। अब इसमें हमने चॉप किए हुए कैशू नट्स लेंगे। 2 टेबल स्पून हमने चॉप किए हुए कैशू नट्स लिए हैं। अब इसको हम चॉप करके पहले से ही रखा हुआ था, इसको भी हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ये थोड़ा आपको टाइट लगता है तो थोड़ा इसमें दूध डाल सकते हैं 1 चम्मच। कैशू नट्स कुकीज बहुत टेस्टी लगती है, एक बार आप बनाइए, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। 1 टीस्पून हम इसमें दूध डालेंगे और अच्छे से डो तैयार कर लेंगे इसका, और ठंडा ही दूध लेना है हमें, बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। फ्रिज का रखा हुआ चिल्ड दूध चाहिए बिल्कुल, मिल्क हमें बिल्कुल ठंडा ही चाहिए इसमें डालने के लिए। बस इस तरीके से डो बनके तैयार हो गया है। अब इसको भी हम साइड कर देंगे। तीसरा डो तैयार करेंगे, इसमें हमें कोको पाउडर डालना है। 1 टीस्पून कोको पाउडर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे इसको और अच्छे से मिक्स करेंगे।
इसको अच्छे से हाथों से मल मल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून चोको चिप्स डालेंगे। आपके पास हैं चोको चिप्स तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने कोको पाउडर भी डाला है। देखिए तीनों डो बनके तैयार हो चुके हैं हमारे। अब हम इसके कुकीज़ तैयार करेंगे। इक्वल साइज़ में हमें इसकी डो कुकीज़ कट कर लेनी है। इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और इसकी फ्लैट करके कुकी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बनाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए हमने इक्वल साइज़ में कट कर लिया है, अब इसके गोल गोल बना लिए हैं और बस इस तरीके से हमें गोल गोल बना लेने हैं और हाथ से हथेली पे रख के प्रेस करना है और थोड़ा सा कोकोनट ऊपर से लगा देना है। बस इसी तरीके से सारी कुकीज़ बना लेनी है। देखिए इस तरीके से पता चल रहा है ना आपको, बस इसी तरीके से कोकोनट कुकीज़ बनानी है। बहुत सिंपल है, एक बार आप बनाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा आपका। बहुत टेस्टी लगती है, बिल्कुल खस्ता बनती है कोकोनट कुकीज़। बेकिंग ट्रे को पहले से ही ग्रीस करके रखा हुआ है, अब हम इसमें अपनी कुकीज़ को रख देंगे और इसको हम बेक करेंगे। हमने ओवन को पहले से ही प्री हीट करके रखा हुआ है तो इसको हम बेक करने के लिए लगा देंगे। 10 से 12 मिनट में हमारी कुकीज़ बेक होके तैयार हो जाएंगी। कोकोनट कुकीज़ बेक हो रही हैं, तब तक हम कैशनट कुकीज़ को भी बना लेते हैं। इसको भी हम एक लंबा सा लोफ बना लेंगे और हम इसको इक्वली साइज़ में कट करेंगे और इसको गोल गोल बनाएंगे। जैसे अभी हमने कुकीज़ बनाई थी सेम उसी तरीके से हमें बनाना है इसको भी प्रेस करते हुए। बस पहले गोल करेंगे फिर प्रेस करेंगे, इसी तरीके से हमें सारी कुकीज़ तैयार कर लेनी है। देखिए हो गई ना, लेकिन हमें इसके ऊपर थोड़ा सा मिल्क वॉश कर देंगे, मिल्क लगा देंगे हल्का हल्का ब्रश से। चॉप किए हुए कैशनट्स डालेंगे लगाएंगे जिसके ऊपर ये स्टिक हो जाए, अच्छे से चिपक जाए। देखिए चॉप किए हुए हमने चॉप करके रखे हुए थे काजू थोड़े से, बस उसको भी हमने ऊपर से लगा दिया है। अब ये कुकीज़ भी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको हम प्लेट में निकाल के रख देंगे। जब हमारी वो कुकीज़ बेक हो जाएंगी उसके बाद हम इनको बेक करेंगे। अब हम चोको चिप्स कुकीज़ तैयार करेंगे। डो को लंबा लंबा गोल गोल बना लेंगे और इसकी कुकीज़ कट कर लेंगे। मैंने तो काफ़ी बड़ी साइज़ में कुकीज़ बनाई है, आप चाहो तो उन्हें स्मॉल साइज़ में भी कट करके छोटा छोटा भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगती हैं। हाथ में रख के फ्लैट करके दबा के इसी तरीके से बनानी है। देखिए बन गई ना, अब इसके ऊपर से हमें चोको चिप्स लगा देंगे तो बस दिख रही है ना इतनी बढ़िया। देखिए हमारी कोकोनट कुकीज़ बनके तैयार हो चुकी है। हमने ओवन को हमने 180 डिग्री पे सेट कर दिया था। 12 से 15 मिनट में हमारी कुकीज़ बनके तैयार हो चुकी हैं। देखिए क्या बढ़िया गोल्डन कलर आया ना हमारी कुकीज़ का, क्या बढ़िया खस्ता क्रंची बनी है हमारी कुकीज़। और ये ठंडा करने के लिए हमने वायर रैक पर निकाल के रख दिए हैं। देखिए नीचे से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो रही है और ऊपर से भी हो रही है, कुकीज़ हमारी बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुकी हैं। और हम कैशनट्स कुकीज़ को भी बेक करने के लिए रख देंगे। देखिए ये भी बेक हो चुकी है हमारी कुकी, देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना उतनी खाने में भी उतनी टेस्टी। और देखिए चॉकलेट कुकीज़ भी बेक हो चुकी है। इसी तरीके से हमें अपनी सारी कुकीज़ को बेक कर लेना है। जो कुकीज़ तो हमारी बेक हो चुकी हैं और हमारी अब ठंडी भी हो गई हैं, एक दो घंटे के लिए हमने रख दिया था, अब ये ठंडी हो चुकी है बिल्कुल। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल खस्ता क्रंची कुकीज़ बनी है। देखिए है ना बिल्कुल अच्छे से बढ़िया बेक हो चुकी है हमारी, बिल्कुल खस्ता कुकीज़ बनी है। आप भी अपने घर पे कुकीज़ बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है कुकीज़। गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।